और सब्जियां जो है ना, देखिए एक एक सब्जी जो है नजर आ रही है, पकी भी है लेकिन गुली नहीं है। मेन चीज होती है चावलों की खूबसूरती जो है ना, वो नजर आने चाहिए चावल अच्छे से। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप लोग, एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान रेसिपी एंड व्लॉग। जी आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हैं जिसमें बनाने लगे हैं वेजिटेबल पुलाव, और जिसके लिए हमें ये सब्जी चाहिए होंगी। ये इतनी एक बॉल है, ये है ना मतलब गोभी की एक बॉल है, और ये थोड़ी सी हमने गाजर ली है, ये देख सकते हैं इतनी सी है, तो आधा किलो चावल है उसके हिसाब से, इतनी सब्जियाँ हम लोगों ने ली हैं, और ये आधा किलो चावल है, और ये नमक हसबे ज़रूरत, मिर्चें हम बस थोड़ी सी, और ये दो छोटे प्याज हैं, एक टमाटर है, दो से तीन हरी मिर्चें, और ये थोड़ा सा ना ये अदरक है। और चले शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब घी डालेंगे हम इसमें ना, इसमें प्याज, प्याज को हमने हल्का ब्राउन करना है, सुनहरा बस करना है, ज़्यादा उसको नहीं करना ना। स्टेज पे आके ना ये प्याज मेरा सुनहरा हो चुका है, इसमें ना हमने जीरा डाल देना है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अभी फिर हम डाल देंगे मटर, मटर थोड़े सख्त होते हैं, हमें फार्म मसाले डालेंगे, नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी ना इसमें डाल देंगे, नमक हम जरूर डाल लें इसमें, चावलों के हिसाब से हम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालें, उसमें मटर डालने बस, ठीक है ज़्यादा नहीं। तीन से चार मिनट मटर को पकाने के बाद हम इसमें गाजर डाल देंगे, इस साइड में हम लोगों ने काट लिया। इसमें अदरक डाल देंगे, और ये हरी मिर्चें हैं ये भी हम डाल देंगे इसके आगे। दो मिनट के बाद, दो मिनट हमने गाजर को डाला, अब इसके बाद ना हमने गोभी डाली, गोभी थोड़ी नरम होती है तो इसलिए हम इसको एंड पे डालेंगे, वरना ये तो चावल में घुल जाती है फिर अच्छी नहीं लगती, और क्योंकि इसके जो फ्लावर से होते हैं बहुत प्यारे लगते हैं जब चावलों में आते हैं। और ये टमाटर है, टमाटर भी हम अब डाल देंगे, वेजिटेबल पुलाव इतने मज़े का लगता है ना, जब सीज़न में सब्जी का सीज़न होता है तो बहुत मज़े का लगता है, आप भी जरूर बनाया करें। अब इस पर हमने दो मिनट लिए ढक्कन देंगे, अच्छे से मसाला वगैरह भुन जाए, और फिर हम उसे डालेंगे पानी। इस स्टेज पे आ ये ढक्कन हमने दे दिया था ऊपर, अब हटाते हैं, देखिए सब्जी बिल्कुल ना भुन चुकी है, हमेशा सब्जी जो है ना वो आधी मतलब कि पकी हो और आधी कच्ची हो, ये ना फुल कुक हो जाए और बाद में चावल में बिल्कुल घुल जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो देखिए भुन चुकी है, अब उसमें डाल देंगे हम लोग पानी, जो इनके पानी है ना चावलों से एक इंच ऊपर होना चाहिए, इसकी ये निशानी है। कुछ लोग ग्लास वगैरह किसी मतलब बॉल से वो डालते हैं, जितने मतलब के चावल उस हिसाब से डबल पानी लेते हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही करते हैं कि जितना चावल है ना उससे एक इंच पानी ऊपर हो तो बस वो बिल्कुल सही तरीका है। पानी जैसे बॉयल होगा ना हम इसमें डाल देंगे चावल, फिर ढक्कन लगाएंगे, बॉयल आने का वेट करते हैं। पानी को बॉयल आ चुका है, इसमें डाल देंगे हम लोग चावल, तकरीबन हमने 15 से 20 मिनट पहले चावल ना भिगो कर रख दिए थे, चावलों को अच्छे तरीके से साफ करना होता है कि वो इसमें से स्मेल वगैरह जो होती है ना तो चावलों में सेहत अच्छी नहीं लगती। चावलों को ना आपने यूं यूं करके नहीं हिलाना क्योंकि चावल टूटने का खतरा होता है, तो इसलिए बड़ी एहतियात से चावल टूटे ना। और इस स्टेज पे नमक ज़्यादा भी चेक करना है क्योंकि नमक कम ज़्यादा हो सकते हैं, कम हो तो फिर इंसान दोबारा उसमें डाल लेता है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये ना एक इंच या डेढ़ इंच पानी बस ऊपर होना चाहिए चावलों से, ज़्यादा नहीं, ये के परफेक्ट तरीका है इसको, इसका पानी को ना नापने का। अगर इस तरह समझ नहीं आती
गिलास वगैरह से नाप ले जितना, हम तो एक गिलास चावल है तो अब दो गिलास पानी ले, दो गिलास है तो चार गिलास पानी ले, इस तरह से। अब ढक्कन लगाएंगे हम, आप ढक्कन लगाएंगे, 5 मिनट बाद फिर चावलों को देखेंगे। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे, देख सकते हैं पानी इसका काफी हद तक ड्राई हो चुका है। लाएंगे चावल तरीके से, चावलों को दम पे लगा देंगे, ये देख सकते हैं इसका पानी अब थोड़ा सा बिल्कुल रह गया, कलर डाल देंगे थोड़ा सा साइड पे, 10 मिनट का दम दे देंगे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से चावल को दम आ चुका है, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह कितने अच्छे चावल बने हैं, देखिए एक एक दाना अलग अलग है। चावलों की खूबसूरती इसमें आती है कि चावल घुले ना, चावल का एक एक दाना अलग अलग हो, देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब चावल प्लेट में डालते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये देख सकते हैं, माशाल्लाह ये देख सकते हैं। ये वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट करें कि आपको हमारी रेसिपीज कैसी लगती हैं। और ये जो वेजिटेबल पुलाव है ना, यकीन करें बहुत मज़े का बना है, इसकी खुशबू ना पूरी किचन में फैली हुई है, ये देखिए ज़रा एक दाना बिल्कुल अलग अलग है। एक दफ़ा मेहमानों को बना के देंगे, अपनी फैमिली को बना के देंगे, तो वो बार बार फरमाइश करेंगे वेजिटेबल पुलाव में बना के दें, माशाल्लाह इतना मज़े का बने। और सब्जियाँ जो है ना, देखिए एक एक सब्जी जो है नज़र आ रही है, पकी भी है लेकिन गुली नहीं है, मेन चीज होती है चावलों की खूबसूरती जो है ना वो नजर आने चाहिए, चावल अच्छे से ये देखिए ये देख सकते हैं आप लोग। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, हमारा जल्द से जल्द जो है ना 1K जो सब्सक्राइब है वो पूरा कर दें, जितने भी दोस्त देख रहे हैं। और प्लीज हमारी वीडियो को देखते हैं ना तो प्लीज सब्सक्राइब लाजमी किया करें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।